हनुमान जी। अरे राम राम सत्या साहब, बैठो। कैसे भगत है? बस भगत है, हमने कई जान के तुमने खा रहे थे जान जान के, और सो उनमें हमने पैसा ऐसे डवा रहे, और सो हमने सोची कब नकाओ आने हैं, सो तुम पहुंचा फकू हैं, खाओ लो खबर पहुंचाओ। ठीक है ठीक है, हम लेते हैं का। हाँ वो सब सजा रुपया है अखिलेश के खाते में, वो अखिलेश की लुवाई थी। अच्छा हाँ, तो इकट्ठे बुलाए के जो है क्या क्या सब बुला, अब एक एक कह के बुला लो, कैसे इकट्ठे में तो दिक्कत पाए जाए। अच्छा कैसे मशीन के रुपया देने, और जिसे भी वहाँ के हो हमारे रुपया दो, वे जो ट्रैक्टर लगी थी भी अलग के रहे, वो गिट्टी वाले ट्रैक्टर को हिसाब कर दो। अरे कहाँ से हिसाब कर दो, कोई हिसाब नहीं भाव, यही तो हम कह रुपया आ जाए सबको हिसाब हो जाए। ठीक है तो बुलाओ कौन। अरे हम फोन लगा रहे भैया। ठीक है हेलो, ऐसे आदमी है यार सेक्रेटरी साहब, पैसा खाते में गया तो आदमी सीधी समझने लगा दिया। आप सही कहे तुम, कश्मीर फोन नहीं उठा रहे यार, दूसरे लगा नहीं उठा रहे। आदमी चूत गया तो समझने लगते, पागल समझ रहे यार। हेलो हाँ हेलो, अरे भैया यार तुम इतने आओ यार, तुम्हारे खाते में यार पैसा आ गए। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ तो है। ठीक ठीक आ जाओ। अरे प्रधान जी। हाँ आ रहे। अरे प्रधान जी राम राम। अरे राम राम भैया बैठो, राम राम बैठो बैठो। ऐसे के किसा राम 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 जा कहीं। हाँ बैठो। हाँ बताओ, ये तुम्हारा नंबर दो तो खाता नंबर। हाँ डाल दो तो हमने उसमें पैसा डाल दे। हाँ ठीक है। हाँ 10,000 रुपए हैं तुम्हारे खाते में। हमने काम तो फूल नहीं है, पैसा कहाँ गया। अरे यार तुम समझ नहीं बात। हाँ भाई तुम 2,500 रुपया खर्चा कर ले। हाँ ठीक है। हाँ तुम्हें जाने है वो आने है। हाँ आने खर्चा जो तुम कर ले, पेट्रोल खर्चा भी दे दे तुम। आओ हाँ तुम कर ले, सब कर लो। तो कम से कम वही 10,000 के लगभग है जितने हो। जैसी भी चल रही ट्रैक्टर चल रही तो तुम्हारे खाते में तुम्हारा खर्चा चले। हाँ भी काम निपट रहे। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ निकाल ले, जाओ निकाल ले। हाँ ठीक है राम प्रधान जी। ठीक हाँ ठीक है। हाँ ठीक है जा के रहे उसी का बैठे का कहें का ना कहें, हमारे को समझ में नहीं आया कुछ। अब का कर बता, तुम काम दाम देख लेते तो खर्चा पानी चल, तो पैसा एक लोग नहीं बचो है घर में। का कहें अब प्रधान जी ना गए थे, उनसे कह दी कि प्रधान जी का जो काम हुए तो बताओ। अब भी तो मशीन से काम करा लेते ही, उन्हें भी उनकी जीती भी लग गई, बहुत रोड डर रहा हूँ। हाँ और कब से लग जाएगा काम है नहीं है, काम हो गया तो हम बताएं तेरे जी। वो है जी प्रधान जी, जी तो है बड़े चतुरने के लिए, जानी लगाता कि वही में काम होता रहा तो खर्चा पानी चलाता तो वो मशीनें चला रही, सो अब का है जो गरीब कितने जा रहा है बताओ। हाँ वो भी ठेका में दे रही काम से, उन्हें पता लग जाता मशीन से काम लग फोन लगा तुम देखो। अब बता तो गरीब को का हो गया, अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ, मुझे तो दिमाग ही खराब होगा बिल्कुल है। बता ले जाते है तो जो भूसा मूसा ले ना तो तना छीन के ला, और पैसा है नहीं आपका कह, तुम सोचा है तो तुम काम मिल जाए से भूखी ना रह जा रही है, दिमाग खराब है। देखें कि हम गाँव में देखें काम से बात है कौन कौन देख लो ना हो तो नहीं सका जो प्रधान जी से कर जो आवे यार। राम प्रधान जी। राम राम बैठ। राम राम अरे टाइम लगा यार तुम, इतना बैंक में बहुत भिजा दी। अरे हमारे बता देते यार नाम में लगे थे, हमने लिखते कहा प्रधान जी का पैसा न कहें। अरे यार तो हम अरे आप लगने के लग गया, हां नाव डरे थे यार, यहां पे खाते प्रधान जी ने भेजो। लो जी हैं 10,000। शाबाश बैठो, मैंने खाचा पानी दे दूं मैं था ना कि जब ही खुश रहा है अपन। हां हां खा भी गली बनी रहा है तो देख 400 दे दे। दिन में लगे आप वो दिन न कहेगा आज लो।
लेकिन जब बता जो ना कहो क्योंकि 500 रुपए हम जा के देंगे काम काम की काम करो को हमने एक महीना हां है काम पे लगिया का हां हां काम की कहना तुम ठीक है ठीक है आओ ठीक है हां चलो चलो अग्रेस को बुला दीजिए भैया यार हां उसे हम कह दें अगले से सुबह आ जाए हां हम जा गए और कच्चे हां हां ठीक है ठीक है लो सुनाओ जी उनके खाते में पैसे डालने लगे जाते हम तो फोन के जाने पड़े वो का जाते हम उन्हें अच्छे से समझा दे दो आप लोग जाओ जल्दी आइयो टाइम लगाइयो हमें जाना जाना है इतना आओ जल्दी आ जाए ठीक है ठीक है चले ठीक 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 है बेटा ठीक है ठीक जल्दी आई है ना अखिलेश वो अखिलेश अखिलेश ओ अखिलेश अखिलेश कहाँ है काय का काम है अरे काम है तो ना कहाँ है बीता है नहीं बुला तो ना बाहर बुला पैसे डाल गए इसमें जब तो सेंटर ही नहीं है बिल्कुल राम 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 निकाल लो तो फिर पैसा साहब बैठ लो आओ बैठा तो ले अबे निकाल रहा है वे पैसा फिर हमने कहा है साहब हम आएंगे लाने आए साहब हम कहे ने कहा है जब निकालने हुए जब निकाल ले अरे कैसे जब निकाल लें तुम चूतिया समझ जाएगा हमें भी पैसा निकाल लो जल्दी ठीक है हम तो मैं जो आदमी पहुंचा है क्या उन अखिलेश का बुला दूं कि उन्हें पैसा निकालने खाते में तो हम आए आए थे ना सिक्योरिटी साहब तुमने कहा ना बे तुम आया तुमने कहा तुम काहे को हक लग रहा हूं मैं सहकार ने हमारे खाते में डाले थे अरे तो सब मिल जाएगा तुम्हें ऐसे कैसे कहा है तुमने पहला कह दे थे कहा हमें मजदूरी करवाओ अरे तुम्हें नहीं मिला था तुम्हारे खाते में आउट है पूरे थोड़ी मिला तुम्हें ऐसे कैसे तो तुम नंबर दो को काम कर रहे नंबर दो को कहा कर रहे गरीब आदमी कोई देख नहीं सता अब कह जी देख तुम सता रहे सिक्योरिटी साहब अखिलेश तुम जल्दी रुपया निकाल साहब हम जो कह रहे हैं की अब 20 रुपये निकाय काय खा आप ऐसा करो आप क्या हम उन्हें काम दे दू हम काम कर ले पैसा की बात तलाब ने काय का है पैसा अरे सहकार ने दे तो हम उन्हें इंकिलाने हैं अरे काम तो कर लो तो काम कर लो सो फिर मिलने तुम्हें रुपया का फेंक से ना मिलेगा तुम्हें विश्वास नहीं है नहीं विश्वास तो है अब जैसे हमारे अंदर से तो काम ही नहीं लगू आपको तो काम लगे हो वे काम लग भी बाहर है एक दिन हम गए थे कि प्रधान जी का जो काम हुआ तो बता भी करते कि अबे नहीं हुआ का जो काम अरे ज्यादा बंगलन में सीसी डंडे एक सोते होने काम सब काम लग रहा उतना दिन महीना दो महीना बाद काम लगने जब तक के काहू के सिक्योरिटी साहब मन को गरीब को तो देखबू करे तीन छह महीना साल से तो कपड़ा देखो पहला जी पहने लगाए और हमारा भी तो मोड़ी मोड़ा है हमारा मोड़ी मोड़ा नहीं तो है चश्मा लगा के घूमे सिक्योरिटी साहब तो चश्मा लगा के घूमे तो उम्मीद भी तो मेहनत करने हाँ मेहनत करनी ठीक है तुम पैसा न कहा है हम सब जाने आए के नहीं आए अरे आगा पैसा डायगा पैसा डायगा आ गए तुम पैसा न कहो ठीक है देख ले अबे यार हम ने कहा है तो हमें काम दे दो बदले से हम काम कर ले पैसा कहां ने कहा के दे कहे पागल समझ रहे हो कहे हम आम से जब कह के पैसा ने कहा तो ने कहा जब कह रहे कि दूसरे काम लगे तो तुम्हें दूसरे रुपया मिलने का खबर आए तो मैं जो हमारी कोनो सुनाई नहीं है हमें ऐसे समझ आया तुम कान लगा थे काम प्रधान जी है तो पूरा काम मशीनन से करवा रहे जेसीबी से करवा रहे रोड हो तो वो बंद पूरे तो का हज हम तुम्हारा ठेका लें का यार पचोगे सोचियो करो पे आते हैं काम हम जा रहे हैं हम से अच्छुत है नहीं आ रहा तुम जाओ लाइट निकाल लो हम तो जा रहे हैं तुम्हारे ठीक है और हम से अच्छुत नहीं तो अच्छा ना हो चलो तो भीतर
तू को दिमाग ही खराब कायदा से कटी मामी ने करनी एक रुपया ठीक है तू की बात अन में नहीं आनी है बड़ो चश्मा मसमा लगा के आगो तो बड़ो रो आप झाड़ रहा हो तो नहीं वो का चुप का दे पोटा बोल का दे वो पैसा ना कहां है तुम का छू नहीं जाना जब वहां ने देखे सो मामी ने कर रुपया हम तो हिरन चलो देखा कितनी आगो इतने उड़ने की धमकी दे रहा हो आगो चश्मा मसमा लगा के झब्बा कुत्ता तो है वो आ जा राम राम प्रधान जी राम राम काय बताओ जाके रे पके हो बकलेस तुम्हें जो सुनाई नहीं हो पके हो वो तो भाड़ा बोल लो हमने कह के चलो वो पैसे ना कवा दू की लो भाई देखो भाड़ी बोल लई भाई बोल ले कि हम तो काम का है ये बात वो बात वो अखिलेश भी क्या हो जाए क्योंकि तुम तो काम कवा लो हमसे लेकिन पैसा ही से नहीं निकाल रहे अगर जो पागल है यार तुम यार तुम्हारे खाते में पैसे लाए सीधी समझ आएगा सीधी तो समझ आए लेकिन हमसे हम ठोक करके आए सीधी हमने कहा अच्छा ना हट जाएगा तुमने पैसा नहीं निकाले तो अरे तुम बुला कर पकड़ कर ले आया बैठा के लिया मोटरसाइकिल से अब जो हम क्या है अच्छे से क्या है मन करने के तो पागल है यार देखो अब आउट का पता तुम्हारा काम खुद हमें जमू नहीं है यार प्रधान जी दिमाग ही लगा हुआ तुमने कहा आदमी चूतिया बना देगा अब तो कहा ना है पैसा तुमने प्रधान जी तुमने बता दी हमें कि ई के अकाउंट बढ़ाओ सुनो वही वही बढ़ा दे जो तुम्हें अच्छा है आदमी हाँ जो तो अच्छा आदमी तुरंत लगा कर तुरंत आगो राम 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 बताओ साहब क्या सब बोला जा कह रहे तो पैसा निकाल ले आते फिर साहब अब पैसा कहाँ है आप बेचकर कह के हमको प्रधान जी हमने जाके इसने कि हमने वो काम दबा दो जिसे कोई पैसा आए खाते में पैसा कहाँ निकाला है वो तो तुम सही कह लेकिन काम अभी लगना ही नहीं जब काम लगे तो तुम्हें बुला लो जे रुपया तो निकाया तुम्हारे खाते में बढ़ा था तुम तो बन ऐसे पचे भी की सोचे हुई पचे भी कहाँ सोचे साहब हमारे शांति से बात तो कर रहे प्रधान जी हमने शांति से बात करो ठीक है अरे बोलो तुम सही कह प्रधान जी लेकिन समझना चाहिए फोन लगाओ तो बात तुम लोगों का मैटर है हमारा थोड़ी हमारे पास आओ तो आराम से बात करिए अरे बोलो तुम सही कह लेकिन बताओ हज्जा है साहब बड़ा ने कहा हम पैसा वो तो सरकार ने हमें दो मजबूरी के लाने आप काम करा लो चाहिए थे अरे अब काम हज्जे जब सब करवा लो जब पैसा देना काहे खड़ा है तुम हमने ने कहा साहब देखो प्रधान जी अब कर रहे हो उल्टी बात अरे तुम्हारा बेटा है यार हम का कह दे यार हमारा गांधारी को हिसाब किताब है हम का कह दे तुम जानो पैसा निकाले जा रहे समझ गए अरे हम आराम से कह नहीं तो फिर हम उल्टा बोलने आए आपको थोड़ी पैसा है वो साहका का पैसा है अरे साहका को पैसा तो डालो तो हमने है तो जेसीबी लगवा नहीं है अब जैसे कुगा है गड्ढा खोदना तुम खोद लो खाते तुम्हें एक साल लग जाए आज कल काम जल्दी जल्दी करवाने अब ये वजह से मशीने लगती तुम्हारे में जो पैसा डाल रहा है तुम तो अपने साहब का अपने आप खसम जाने लगे मिनिस्ट है आराम से पैसा निकल जाए अबे बता जा समझ गए नदी अच्छा ना हो तुम्हारे संग बिना ने कहा साहब पैसा यहां में तो काम करा लो हम गरीब आदमी अरे पैसा ने कहा ना कहा तो मैं देते तो काम कहूं मिले ही ना बयान है तो माने ना कहे ए माने ना कहते ए सच बता ये बात में यहां पर भेजा हम कह रहे हैं कि पैसा भाई निकले पैसा निकल आए कि ना निकले पागल हो यार तुम सच्चा ब्याह है मैं कहा आगे बात कर हांजी तुम बैठो बैठो यार तुम जमीन पर मैं खा लूंगा तुम्हें फालतू बात करे यार सुन मैं दिया तुम्हें अरे प्रधान जी अपने आगे बात करना हमारे आने के बस कर सकते हो तुम अरे सही क्या प्रधान जी बोलो तुम फालतू बात करे यार तुम्हें यार सामने आदि तुम्हें हमारे द्वारे में मार रहे तुम उसको अरे अब पैसा नहीं दिया अगले जो इसका मेटा समझ लो आज की बात बात नहीं करेंगे तुमसे सामने जाके प्रधान जी के हमें क्या बात करना हम क्या हमारे तुम्हें रुपया अरे गलत बात तुम्हारी यार हमने जाके प्रधान जी हमने वो काम कर लिया वो भी जितने पैसा आए है मजबूरी के मैटर है भैया हम तुमसे नहीं कह सकते कछु जैन का मैटर है तो यार तुम बताओ प्रधान जी अपने रुपया है तुम रुपया ना लेकर तो फालतू बात ही कहेगा हमारे सामने तुम्हें यहाँ अपनी हाथ पाँच चला सकते हो समझ में नहीं वो तो तुम सही कह रहे हो हमने चला हाथ पाँव लेकिन पैसा तो दे भी हमारे साहब गांवदारी का हिसाब बता रहे इन्हीं लोगों से हम जीते प्रधान बने तो तुम हमारे सामने यार मारोगे तो अच्छी बात थोड़ी है अरे चलो अब बात छोड़ो कोई दिक्कत नहीं जाए इनसे जाता कहो कभी पैसा हमारे निकाल देगा कम से कम निकाल दिए भैया हाँ प्रधान जी
कभी नका दो भाई नकाओ कभी नका दो नका हो प्रधान जी नका देवे कर देना एक आध नका टाइम नहीं जाएगा बैंक नहीं खुली आज कि बैंक बंद है आज भी तो नका सका प्रधान जी बता तुम कौन दिक्कत हो तुम्हें जैसे गाड़ी गाड़ी ना हो जाए हम अपनी गाड़ी ले चले वो का कैसे कटते एक से ज्यादा लेकिन जो नहीं गया तुम्हारे खाते में रुपया आएगा तो तुम तो बैंक बचे भी की सोच है सुनो भाई आदमी को तसल्ली से समझा जाते ठीक अरे प्रधान जी तुम्हें कहा बता रहे गए थे हम इसे तसल्ली से समझाने की लगाई ऐसी ऐसी गाय नहीं तुम्हें कहा बताए अरे यार तो बस पैसा आ जाए ठीक है खाते में तो आदमी तो जाना कि हमारा पैसा है हम कहा ना कहा लेकिन उसे समझाओ कि जी पैसा तुम्हारे भैया बिना करे के हैं ठीक है अब उनने कोनो काम को तो अब के काम कहें जब काम को भज्जा तुम तो हम तुम्हें पैसा देना क्या खबर आए आप ऐसे ऐसे कह देते हैं हम उनके खाते हाजिर चढ़ा दिए तो मशीन से काम करवा ले और हम उनसे कर लेते तुम उनके खाते पैसा आ गए तो दो तुम मशीन रुपया नहीं लगा तुम जो बताओ उन्हें भी तो रुपया चाहे मजून से करवाओ काम मशीन से लगा ले तो आप उन्हें अपने फायदा के लाने के मशीन से करवाओ काम तो हम उन्हें मंजूर नहीं मिला तैसे कहा हमें कैसा कहा है मशीन से मना कहा तो मंजूर से करवाओ काम तुमसे हम जाके तुमने जो समझाओ नहीं बिना कहे को मिल लो तुम्हें यार दो चार पाँच सौ तुम्हें मिल जाए खर्चा पानी के लाने और जब तुम काम वाम कहो तो तुम्हारे तुरंत मिल जाए रुपया क्या खबर आया तुम ठीक है भैया ठीक है भैया तो कितने टाइम या कोई भाई नहीं वो तो समझा दे कितने टाइम में निकाल दो निकाल जाए फिर जाते हैं निकाल जाए बहू का समझा दीजिए उतना बारह बजे तक तो आ जाओ फिर ठीक है ऐसा कमाना था प्रधान जी भी अरे यार तुम ये बात नहीं कहनी होती यार तुम यहाँ हमारा कुट्टी करोगे यार निरोगी के बटन से तो हम प्रधान बने तुम्हें तो चला जाना अपने ड्यूटी चार जहाँ भी चले जाओ ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन हमारी तो बेइज्जती होगी ना अच्छे प्रधान बनाया हमने भाई दांती के बहुत बात उल्टो सल्टो बोले वो का किया हो तो हम रिपोर्ट कह दे पैसा तो नहीं निकाले तुम पैसा तो नहीं निकाले उन्हें एक दो हाथ घाल दे हमने एक दो हाथ घाल दे तुमने उसकी ठटी नहीं बांध पाई गया सेक्रेटरी की हैं ये कि कंडा नहीं करे तुम हमें बताते तो हमसे तो कहते काउ से कुआ पहुंचाते हमें बिल्कुल बन वो बनो फिर रस के टीती आदे जो रू आप जहाँ पड़ा हो तो वो कर रहा हो तो बड़ो इतनो गवाए में ना बना जो से कट दिए तो का चा का ऊपर गरीबन पे हाथ ही उठात रहे का मोग जा बिल्कुल चुप हो जा अपन चल ले अबे ठीक तो हमें लुआ के चलो उससे कट्टी नो में मैं ठड़ी बांधे हम कंडा काड़े से कट्टी के मार जाए चलो उठो हाँ लो पकड़ो जो हम के बाल लगा दे पकड़ो चलो देखा था उससे कट्टी आज मेरे से कितनी भी ठटी नहीं बांध पाई तो हमने कछु नहीं कह पाओ चलो माया जाए कि कंधा नहीं कटा ऐसे कटी के जो माया जाए बता माया जाओ इन्हें वो तुमने कछु नहीं कह पाई गया है पका के दो धपाड़ा देते हम होते तो पका के सुधाया देते ढंग को माया जाए जो मरो ना यहाँ बिल्कुल अब मोगला चौप हो तुम तो खुद बिल्कुल सूदे सूदे एक तो आदमी ज्यादा ना तो कहती गरीब है सुकुन भी कछु जाना थे कहते करिए जरा पुट में तो देख लें भाई वो बनो फिर रस्से कटरी को तू बता पे हनी तुमने काय मारो इन्हें बेटा हमने नहीं मारुआ ओपे कीने मारो अब तो ना हे लगे सुनने हाथ मार दो तो सुनने समझा दो बेटा हां हम जो चश्मा मस्मा वो जो तुम्हारी कॉपी किताबें दो मिनट में उतरवा दें
अरे बेटा समझ में आई कछु बेटा हमने तो कछु नहीं किया तुम्हारी खून जान के एक तो तुम लोग और नंबर दो को काम कर रहे हैं तुम हो रहे हैं कैसे कट्टी साहब जो चकमा का भैया तो बोलो का है लोग परेशान कर रहे हैं समझाओ फिर तो मैंने कहा है जी मोचलाई सही तो कहेंगे आपने एक तो दो नंबर को काम कर दो नंबर का तो मोरे काम कर भी जन मजूंदा से काम भाव जे तुम्हारा मशीन है जैसे जो रहता ट्रैक्टर लगवा के वो काम करवा रही सुनो सुनो साहब जा के हम आप तुमसे तुम बहु का पैसा का क्या कर रहे का बात हो गई तुम्हें समझा दी थी हमने बेटा के जो है अपना जैसे ने भी समझा देती हमने आपका है वो हम नहीं जानत कछु वो तो हम जब तक काम मकान का खाना खाने जब मनी निकलाने भाई जब पहुंचाओ तो ये मनी निकला हमारा ये पी के सब घूम दे ना चलो बेटा तुम्हारी जब पंचायत है कि जो गांव की बाबी दे जो उनकी जैसे सेक्रेटरी गिरी सब जो चश्मा मसवा सब बेटा हमारी सुनो पहले जी जो पैसा बिना कर दो ठीक है ओ तुम्हारी में कह देता कि पूंजी लग गई दागी नहीं लगी बेटा तो हमने कलम चलाई आपने तुमने खाद दो तो हमें खाद लगा दो ना लगाते हमने अपने आप में गलती कह दी लगा खाता लगा के गलती कह दी यही हो गई जेई एप्लीकेशन दे रहे हम ठीक है हम नहीं जाना था वो अब तो बेटा तुम जानो जे जाना है मशीने चलवा चलवा के तो तुम्हारे मजदूर लोग अनको बिल्कुल कछु रुपजा टका कछु नहीं दे मशीने चलवा दी सब फायदा होगा और रुपजा मन के खाद में नहीं मैंने ऐसा किया है का फायदा तुमने बताओ तुमने में कौन सा काम को है कोनो काम को तुमने तुम्हारे भी तो फ्री को बचा बचा है तुम्हारे के वहां काम मिलते ही नहीं है तुम्हारा काम देते नहीं है जैसे आदमी को काम होते तो वो मशीने लगा दिए तो हमारा काम ही नहीं मिल पाऊंगा अरे भाई ज्यादा जैसे काम ज्यादा हो तो मशीन तो लगाने मशीन काम तो मशीन लगाई जा और लेबर काम तो लेबर लगाई जा नहीं तो जो कहते लिखू मैं गवर्नमेंट को काम नहीं जाना पड़ो लिखो है ना सब पत्र भैया इतना समझा दो समझा दो पहली बात तो तुम जी बे लेट रहे हगन कन्नागत बे आई थी हगन लेट रहे हैं बे चाट गए दो जने चाट गए थे नहीं चाट गए हमारी किताब से आई अरे पैसा दे दे हमने आप लोग तुम लोग का पैसा ही दे दे हमको झूठ बोल रहा है प्रधान जी हम जय एप्लीकेशन दे रहे हमारे खाते में से एक रुपया जना ने का रहे बता दिया भाई हमने बनाओ है जब राजगद्दी हम नहीं आए जब जनता ही नहीं की उसी अब तुम राजगद्दी पे आदमी पे हाथ उठा तो हमने मना कर दी अब तब तुम जी तो बिल्कुल था ही नहीं कर चलो काम दे तो मैं काम पे हो काम कर दे बेटा काम आ जाए तो काम दे लेकिन ऐसा काफी तो पैसा निकाल लो पैसा नहीं है क्या है मतलब हम आप खा तो वाला वो का को यार अरे यार तो हमें समझ में नहीं आई कछु ऐसे आप लोग दो का कर पहली बात तो तुम्हें हाथ ही नहीं उठाने तो तुमने उन्हें हाथ उठा दो कहो तुम आए ठीक से कटरी या प्रधान हो तो कई खिलाने के गरीब जनता पे तुम नहीं नहीं बेटा तो हमने मना कही थी कि हमने ये सुनी कह सकते हो तो हमारे घर पे हम चाहे तो ऐसी मिनटों में नौकी चाट जे हाँ बेटा जो तुम कह सकते हो नौकी चाटो इनकी लेकिन हम तो तुम्हारे बनाए हैं तुम्हारे बनाए तो जी बाबा की होते नहीं हो बेटा तो हम तो समझा रहे थे अखिलेश का तुम बूढ़े पुराने हो तुम तो समझ जाते अभी नाव खून को जोश तो खून को जोर चढ़ो नहीं घरे नाच पानी नहीं बचवा काम वाम हो जाता तो लेना नहीं थे पैसे टका आ जाते तुम्हें तो कहा है मशीने चलवा दे बेटा तो फ्री बट रहे हो तुम्हारा कंट्रोल हाँ तुमने तो खूब ही बटवा दो तो मोदी जी हम उनसे जुड़े जो है देख ले, देख ले हम जाकर तो अगर आपकी बात मुझे ज्यादा हो गई तो सका अब एक ये भी साल रहेगी तुम्हारी पैधानी की नहीं बेटा तो हम तुम्हारे को बहुत सका है तुम्हें प्रधानमंत्री जाके बेटा
पैसा अगले भैया नहीं निकालना पैसा ना निकाल क्यों जो आगे वाला सीसी होने तो ऊपर हम काम करेंगे बुला ले हम तुम लोग ऐसा काम करेंगे सुबह अट जाए ठीक है ना निकाल तो चाहते ही है कि हमारे का काम मिले लेकिन आपने कहा आपके नहीं यहां काम मिले तो जाने काम मिले काम दे दे और कौन जैसी भी वाया कर दे दे कम मशीन ने मारा है जैसे भी कर ले तो हमारा रोजगार मिलते ही है चलो मिले हम इनका समझा दे मिले जाओ नहीं जाना ना दो कोई बात नहीं है पैसा चलो आगे काम करेंगे सीसी पैसों तो बेटा तुम्हारे पड़ जाऊ मैं ठीक है जाओ बेटा ठीक है जाओ ठीक राम राम जाओ देखो पब्लिक बैग के आदमी का आना समझा जाता रिपोर्ट की कही थी कही थी कि नहीं कही अगर रिपोर्ट कही होती और जांच हो जाए ना तो खटिया खटी हो जाने की हो जाए हमारी नौकरी चली जाए और हमारी प्रधानी से पूरा बाओ डाटा कराया सो हमारी डिगा चल जाए यही से तो हम शांत रहेगा हमने आदमी का आज समझा जा ठीक है हाँ हमने प्रधान जी जो सोची निकाया तो निकाया है अरे यार कौन करू आदमी वो है बुद्धि बुद्धि बहुत खराब हो कौन कौन ठीक है ठीक है आराम से तसल्ली से समझा जा वो हम नहीं कह सकते ना भाई हमारी गांवदारी की बात है आओ तुम नहीं कह सकते प्रधान है आओ तुम वहां तो ट्रांसफर हो तुम दूसरे तक चले जाओ सही बात है लेकिन हमारी देखो आगे ठीक है भाई हम सो तक बात ही ना जानते थे प्रधान जी हम सब ऐसे देख रहे थे कि दे दें तो दे दें हम निकाल भी सोचे थे अगर निकाल लेते तो निकाय होते सही है कोनू कोनू बहुत हरामी होता आदमी तुम जो नहीं समझ गाँव में सही बात है सही बात इस तरह का समझा जाता आदमी का अगर लेन में आओ ठीक है नहीं जाओ तो जाओ ही जैसे उनको पैसा दो नाने का काम का है सुबह पटा दे दूं हाँ काम तो कहो आए उनसे सुबह पटे हाँ जी भाई नहीं और भी यहाँ पैसा ना करे जे पट गए तुम्हारे अरे प्रधान ये ऐसा निकाल जा आदमी का हाँ सही बात ठीक है बस इसी होने वही में बुला लो काम गए हाजी चालो गए अपना बाजार बनेगा उसके जाओ हाँ सही है लेकिन ये आदमी के खाते में अगली देर रुपया नहीं डालना नहीं बिल्कुल नहीं डालेंगे और डाओ तो हमें ना जो आपको ये डालना ही नहीं ना बता दी हमने ठीक है तो है चला तो है पर हाँ ठीक ठीक है और पैसा जब तो आ जाए सुबह अपना लेन देन कर लीजिए भी हमारे पास ना आए हम फोन लगा दें सुबह रुपया दे गए बोला कर दी थे जैसी भी आया निपटा नहीं था वो टेक्टर ठीक ठीक है बता ठीक और भैया यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं है हाँ तो भैया और राम राम सब जन का और स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो का लाइक करें भैया और कमेंट करें और भैया चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदार में व्हाट्सअप ग्रुप में फेसबुक ग्रुप में और फेसबुक पर अपनी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भैया सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें राम राम भैया।